हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आज है डे टू घर पे। मंदिर का भंडारा हम लोग वहीं गए हुए हैं अभी तक, तो आज दिखाऊंगा आपको भंडारा कैसे होता है हमारे यहाँ, क्या क्या मतलब बना हुआ है खाने में, कैसे बनता है। और बहुत सारे लोग आते हैं, क्योंकि सारे गांव के लोग आते हैं। मैं दिखाऊंगा कौन कौन से गाँव के लोग आते हैं, तो कुछ कुछ नाम भी बताऊँगा आप लोगों को, देखता कैसा लगता है। गाइस, ये वाला गाँव है सामने वाला, इसको बोलते रिठायत। और ये वाला गाँव है, इसको बोलते नौखोना। इसके ऊपर भी एक गाँव है, ये खिरमांडे का एरिया आता है। ये था हमारा मंदिर टॉप पर, जो आप लोगों को दिख रहा है, ये टॉप पे हमारा मंदिर था, ये वाला। तो यहाँ पे ये देखो, ये सीढ़ियाँ दिख रही होंगी आपको हल्की हल्की। यहाँ पे था आज भंडारा। और ये ऊपर जो पेड़ दिख रहे हैं, यहाँ है कनापुआ। यहाँ हम लोग क्रिकेट वगैरह खेलते थे, टूर्नामेंट वगैरह होते हैं, बड़ा सा ग्राउंड है। और एक गांव है मातोली, इसके उस साइड भी गांव है, कुछ कुछ गांव। तो यहाँ से दिखते नहीं है वो, अभी के लिए इतना ही है। और ये वहाँ की आप व्यू देख सकते हो, बारिश का मौसम हो रहा है, बादल लग रखे हैं, काले बादल। ये देखिए, इस साइड हमारा गांव आता है आगे। और ये जो गांव दिख रहा है सामने को, ये कंडारी सेना साइड है। देखिए इस पूरे पारे बादल आ रखे हैं टॉप पे। संतोष आओ, मिश्री ले ले, छुट्टी है बेबू। ये बेबू बेबू ले, मिठी ले ले, मिठी खा ले ले, यहां ले आ, यहां ले बेबू ले। देखिए आजा 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 ले बेबू ले, छुट्टी चल बक बक। आज लास्ट डे, तो आज होगा भंडारा। अभी चल रही भंडारे की तैयारी, तो सब बना रहे हैं मिलकर खाना। क्या कलर है पंखा गैस का? और गए यहाँ पे कट रहे ड्राई फ्रूट्स, जो डालेंगे हम प्रसाद में, जो हलवा होता है बेसिकली उसके लिए। और आज है भंडारा, तो यहाँ पे तली जा रही है पूरियाँ भंडारे के लिए। काफ़ी मतलब कम से कम अराउंड 2 क्विंटल के आसपास हम लोगों ने आटा गोद है, जिसका भंडारा बनेगा। तो काफ़ी लोग भी आते हैं खाने के लिए, तो देख सकते हो अभी कैसी पूरियाँ बना रहे हैं, चार चार लोग लगे हुए हैं। और गाइस ये बन रही है आलू गोभी की सब्ज़ी, काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बन रही है, आप देख सकते हो। इसमें सिर्फ टमाटर डलता है, क्योंकि मंदिर के लिए बन रहा है। और यहाँ पे ऊपर पंडित जी, जो पंडित जी लोगों के अलग से खाना बनाते हैं, जो लोग प्यास वगैरह होते हैं, जो लोग करने आते हैं कथा वगैरह। और एक इतनी बनती है चाय। हमें जो बना हुआ हलवा काफ़ी ज़्यादा मात्रा बना है, काफ़ी हमारे यहाँ पे जो एक आपको दिख रहा है बर्तन तांबे का होता है, इसमें हम लोग आग में भून के सब बनता है हलवा। जो ड्राई फ्रूट्स कट रहे थे इसमें डल रखे हैं, देखिए ऐसे आग में हल्की आँच में भुना जाता है इसको, फिर इसमें होता है रेडी। और इसका हैंडल है लकड़ी का। और गाइस यही दूसरी सब्जी जो बन रही है छोले, बेसिकली जो छोले बनते हैं बड़े वाले काफली चने के छोले बना रहे हैं लोग, ये देख सकते हो इस वाले उस पर। तो अभी चल रहा है इसका कार्यक्रम, आग में सारा खाना बन रहा है। और पूरियाँ बन गई थी गैस में, इसमें बन चुके हैं छोले, जो रेडी हो चुके हैं। ये देखिए हम ढक्कन खोल कर देख सकते हो कैसे बने, ये रेडी देखो क्या कलर आ रखा है, मस्त वाइल सो, बहुत स्वादिष्ट लगता है खाने में। और ये बाकी जो बनने हैं अभी, उसके लिए तैयारी चल रही है। Thank you.
हुनर बच्चा हेलो हेलो गाइस ये पूरी गाइस फाइनली हो चुका भंडारा रेडी और हम बांट रहे हैं पानी हमारे यहाँ पानी देने के टर्न। तो आप देख सकते हो लोग कैसे बैठे हुए हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग डिस्पोजल वगैरह यूज नहीं कर रखे थे तो हम लोगों ने बेसिक थाली यूज कर रखे हैं। तो ये देखो आप लोग नीचे से भी आ रहे हैं और ये लोग बैठे हैं मंदिर के चारों तरफ पूरा सर्कल है, सर्कल में सारे लोग बैठे हुए हैं और बारी बारी से लोग दे रहे हैं जिसके जो टर्न है। तो बिकॉज हम लोगों ने गांव वाइज डिवाइड कर रखा था, एक गांव पूरी देखिए, एक गांव सब्जी, एक गांव पानी और एक गांव थाली। तो सब लोग कर रहे हैं मिलके। आप लोग देख सकते हो कि लोग भी आ रखे हैं और ये चल रहा है खाने का प्रोसेस। देखिए रोड है, ये बड़े बड़े आम के पेड़। और अगर इस सभी बज रहे शाम के 5:30 6 और आ रही है बारिश। हो चुके हैं शाम, इसके साथ करते हैं आज का ब्लॉग एंड ऑफ। मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।